हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर गोविंद राय गर्ग उर्फ डॉक्टर गोवा। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड टू इंट्रोड्यूस यू टू डॉक्टर अर्श। डॉक्टर अर्श हैज जस्ट क्लियर द FMG एग्जाम। सो हेलो डॉक्टर अर्श। सो हेलो सर, हाउ आर यू? अर्श, सबसे पहले प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू आर व्यूअर्स। ओके, सो माय नेम इज अर्श. आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम टबिलिसी यूनिवर्सिटी इन एसईयू. दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन एफएमजी एंड आई स्कोर्ड 162. That's great, Ash. Heartiest congratulations for the result. So, थैंक यू सो मच सर. Ash, can you tell about your preparation? When you started the preparation? How you did the preparation? What were your main sources of preparation? Almost everything, so that the students who are going to give the exam in December, particularly who are ओके सर, first attempters, so they can get an idea के पहले अटेम्प्ट में क्लियर कैसे करना है। सर जैसे वक्त मैंने देखा कि मिशन 200 प्लस की जो आई, तो आई वाज श्योर कि हाँ, बस मेरे को यही करना है. बिकॉज मेरा अभी यूनिवर्सिटी खत्म नहीं हुई थी, तो आई जस्ट वांटेड कि मेरे को ऑनलाइन सोर्स चाहिए कि जिसको मैं कहीं भी बैठ के लगा सकूं, और मेरा वो ए टू जेड मेरे पास पूरी एक गाइड है कि हाँ, पहले ये सब्जेक्ट, फिर वो सब्जेक्ट, फिर वो सब्जेक्ट. सो मेरे पास जस्ट मेन चीज थी कि हाँ, बस मेरे को ये प्रिपेयर करना है इस तरीके से. मेरे को अपने क्या कहते हैं प्लानिंग करने में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ा इस वजह से. बेसिकली यू गॉट द सो शेड्यूल। जो हाँ जी, तो शेड्यूल वॉज द मेन थिंग कि जिसके लिए मेरे को बहुत हेल्प मिली शेड्यूल, और एक ये ऑनलाइन था. एंड सेकेंड वॉज कि जैसे ये क्लासेस शुरू हुई, तो हाँ, जो मेरे बेसिस नहीं थे वो भी इस तरीके से मेरे बेस बन गए, चाहे वो फार्माकोलॉजी हो, चाहे पैथोलॉजी हो, जिसकी वजह से मेरे को आगे मेडिसिन और सर्जरी में बहुत हेल्प हुई है. एंड जो रेगुलर जो आपके टेस्ट वगैरह थे, एंड जो बीच में क्या कहते हैं ब्रेक डेज थे, वो काफी हेल्पफुल थे कि वो एक आपका एक रूटीन थोड़ा चेंज करने के लिए, और आपको थोड़ा फ्रेश अप होने के लिए अगले बड़े सब्जेक्ट्स के लिए. ग्रेट। तो स्टूडेंट्स जो अभी दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि ब्लाइंडली मिशन 200 को फॉलो करें, हो जाएगा क्लियर? सर आईड से डेफिनेटली, बिकॉज मैंने तो ये लिटरली कि हाँ, टीचर ने बोला है तो कर रहा है, कि हाँ, बस भगवान ने बोल दिया तो कर दिया, बस ये फॉलो ही करना है. ग्रेट। और कि बहुत टाइम ऐसा लगेगा कि आपको यू नो कि आपको लगेगा कि बाकी आपसे बेटर कर रहे हैं, फिर आपको लगेगा कि मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. बिकॉज आपको पहले थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट होगी कि पहली अटेम्प्ट है, आप देखोगे आसपास कि किसके सेकंड अटेम्प्ट, किसके थर्ड अटेम्प्ट है, तो आपको उसे बहुत फील होगा. आपने उस चीज पे ध्यान देना ही नहीं है, आपको बस देखना है कि आप क्या कर रहे हो, आपने कितना कर लिया, और आप आगे से कैसे इम्प्रूव कर सकते हो. कुछ नहीं समझ आता तो आप तो हो ही वहां पे हेल्प करने के लिए. मैसेज आप लोग 24/7 हमारे हेल्प कर रहे थे वहां पे, जब भी कुछ डाउट था, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कोई वैसे डाउट से एकेडमिक, तो वो सब आपने उस टाइम क्लियर कर दिए, वो बहुत बड़ी हेल्प थी. ग्रेट ग्रेट। अच्छा अर्श, आपका जैसे लास्ट 6 मंथ्स का जो प्रेपरेशन था, सो हाउ योर डेज वेंट बाय? मतलब आप सुबह उठे, फिर क्या करते थे, कितना टाइम पढ़ाई करते थे, एक रूटीन शेड्यूल क्या था आपका? सर जो मेरा फर्स्ट मंथ था वो थोड़ा मिक्स था, बिकॉज मैं यूनिवर्सिटी भी थी, बट जो बाकी टाइम रूटीन था वो था सुबह उठते ही, जो एक तो लास्ट डे हुआ है, जो मतलब जो लास्ट नाइट जो क्लास थी, या तो वो रिवाइज करना है, या फिर अगर वो रिवाइज में मन नहीं है तो एटलीस्ट एमसीक्यूज तो सॉल्व करने ही करना है. बिकॉज अगर एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहे, तो एटलीस्ट आपका टॉपिक आपका एमसीक्यू थ्रू कवर हो जाता है. चाहे आपका वो एमसीक्यू गलत हो, आप नीचे से देख सकते हो कि हाँ, आपका ये टॉपिक है, आपको यहाँ थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है. वरना पिछले क्लास अगर रिवाइज नहीं करोगे तो फिर आगे बहुत मुश्किल आती है. तो जब ही जैसे जो आपका एक मेरे को हेल्पफुल बात की थी कि आप नेक्स्ट डे ही पूरा आपको हो जाता था, अगर बाय चांस मैंने स्कूल जाती थी क्लास, तो मैं सुबह उठते ही वो क्लास पहले कवर करता था, फिर नेक्स्ट डे क्लास लगाता था. तो यू अटेंडेड ऑल दी लाइव क्लासेस? यस सर, अटेंडेड ऑल द लाइव क्लासेस. ओके। तो इसमें आपको हेल्प मिली एग्जाम में एक्चुअल में, अपार्ट फ्रॉम गेटिंग अ शेड्यूल? सर बहुत हेल्प मिली मेरे को, थोड़ा एक मिल गया था कि हाँ, मेरे को इस पाथ पे रहना है. अब उस पाथ पे रह के जो जो प्रॉब्लम्स आई हैं, वो मैंने या तो आप लोगों से डाउट्स पूछे कवर करे, या मैंने खुद फिगर आउट करी है कि हाँ, अगर ये ऐसे नहीं हो रहा तो मेरे को उसके तरीके से अब पहले कुछ और ढूंढना पड़ेगा वो सॉल्व करने के लिए. ओके। और तो एक इवन इसके जो बाद में एग्जाम के जो थोड़ा क्वेश्चन थे, बहुत हेल्प, जैसे अगर आपने कोई वन लाइनर बताया, कोई ऐसे की वर्ड्स बताए हैं, या कोई ऐसे कंसेप्ट बताया जो बिल्कुल दिमाग में रह जाता है. अर्श, यहाँ पे आपने बीच में एक पॉइंट बोला कि बीच में जो प्रॉब्लम आई वो मैंने खुद सॉर्ट आउट करी, कैसे करी, क्या किया, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहेंगे? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे दिसंबर में स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको वो पहले से ही पता हो कि आपने कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की, तो उनको सोल्यूशन मिल जाए कि हम कैसे करें, क्या किस तरह की सर जैसे प्रॉब्लम थी और कैसे सॉल्व किया आपने। कि मेरे को लगता है कि ना, मैं टाइम पे तो चल रहा हूँ, कि आप लोग का जो शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं शायद से ना, मेरे को एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल्स मेरे अच्छे नहीं हो पा रहे हैं.
या फिर मैं कोई तरह की एकदम से कोई नया क्वेश्चन आ गया तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इस चीज को फिगर आउट करने के लिए मैंने पहले तो ट्राई करा कि मैं कंसेप्ट तो ठीक था, बट वो जस्ट वही था कि अगर मैं एक दो तीन कोई और से कहीं मेरे को कहीं और से कोई क्वेश्चन बैंक मिलता है मैं वो उठा के सॉल्व कर लेता था, कि सेम ही टॉपिक का सेम कोई और जगह से क्वेश्चन बैंक ठीक है, उठाओ पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे आपने स्टार्ट ऐड ऑन करोगे कर आपका लिया। वो। हाँ जी ठीक है ग्रेट ग्रेट। तो आप रूटीनली दिन में तकरीबन कितने घंटे पढ़ते थे? सर, आई ट्राई टू एवरेज के एटलीस्ट 8 आवर्स तो हो जाए, तो 8 आवर्स मिनिमम इज 8 आवर्स अबाउट। के। सर मेरे को तो सबकी अपनी अपनी वो होती है, मेरे को लगा कि क्लास के बाद एटलीस्ट एमसीक्यूज अगर आपको सॉल्व कर रहे हो और आप रिवाइज कर रहे हो तो इट्स गुड इनफ, सो दैट आपको थोड़ा फ्री माइंड भी हो आपके सोचने के लिए कि हाँ आपको और कुछ चीज करनी है कि नहीं, मतलब ये तो जस्ट बेसिक होगा, आपके वीकनेसेस जो है उस पर काम करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम वो लगा। ग्रेट। और आपने जीटीज वगैरह कितने दिए? सर मैंने जीटीज तो कम ही दिए थे, मैंने सर मैंने एक या दो दिए तो भी जस्ट बिल्कुल एंड में मैंने दिए थे, उसमें सर मेरा 160 के आसपास ही स्कोर रहा था। सिमिलर स्कोर आपका एक्चुअल एग्जाम हाँ में जी भी। ग्रेट। अच्छा अर्श, ऐसा है कि जैसे आप फर्स्ट अटेम्प्टर थे, तो हाँ बहुत जी बार मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात भी की है कि वो उनकी प्रेपरेशन ठीक चल रही होती है, बट सडनली फिर आसपास देख के कि इसका 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, इसका 4 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, ये भी प्रिपेयर कर रहे हैं, पता नहीं मेरा भी होगा कि नहीं होगा, ये फीलिंग आती है कई बार। तो आपको भी ऐसी सर, फीलिंग बहुत आती बार थी आई कभी? है तो सर, सर बहुत बार आई है फीलिंग। आपने कभी इस कभी मैंने पे कैसे अपने निकले अपने आप? फ्रेंड्स फ्रेंड्स वगैरह साथ अगर डिस्कस करके जो ऑलरेडी इंटर्न्स वगैरह हैं, या फिर आप लोगों की जो जैसे अपूर्व सर की एवरी मंडे मोटिवेशन वीडियो आती थी, ये सब ने बहुत हेल्प करा है कि यू नो एक आपको सीधे रास्ते पे रखे कि आपने भटकना नहीं, बिकॉज पहले अटेम्प्ट में अगर एक बार पूरा 100% दे दो उसके बाद में देखना, एक ग्रेट। लोग तो बहुत बोलेंगे कि हाँ सेकेंड में भी हो सकते थर्ड में, बट नहीं आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। बहुत बढ़िया, ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए डॉक्टर पूर्ण ने मंडे मोटिवेशनल सीरीज स्टार्ट की है, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जो बीच बीच में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, आई थिंक उसमें मेरे ख्याल से सर ऑलमोस्ट सारे डाउट्स ही कवर कर देते हैं कि किस जगह हाँ जी क्या सर, करना हाँ चाहिए ना। तो आई ऑल्सो कीप ऑन लिसनिंग टू दैट, तो बहुत मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है उससे, सो दैट्स ग्रेट टू नो। अर्श, इस बार ना आपका एग्जाम जो था वो ब्लॉक्स में आया था, मतलब 50-50 के, जी तो उसके लिए आपने कोई स्पेशल प्रेपरेशन करी थी? सर, मैंने उसके लिए बिल्कुल ब्लॉक्स को ऐसे जो आपके जो आते थे PYQs 40-40 ब्लॉक्स में मैं उनको सॉल्व करता था रोज के रोज, जो लेट नाइट आपके PYQs अच्छा, थे, वो लेट नाइट PYQ सीरीज। लेट नाइट PYQs करता रहा। एंड अगर मैं कोई और क्वेश्चन बैंक भी कर रहा हूँ तो आई मेड श्योर कि जो मैंने 50-50 का टाइम है वो मैं वही रखना है, ना मैंने क्वेश्चन आगे वाले देखने पहले, ना मैंने पीछे वाले क्वेश्चन बाद में देखना है, उस टाइम जो मार्क कर दिया कर दिया। उससे ये भी हेल्प हुई कि अगर मैंने एक चीज एक बार में जो चीज मार्क कर दी मैं उसे चेंज नहीं करा। बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है कि एक तो स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह का एग्जाम का पैटर्न है उसी तरीके से जब आप भी आप कोई टेस्ट करते हो या खुद प्रिपरेशन करते हो तो उसको उस तरीके से प्रैक्टिस करते रहो, ताकि एग्जाम में कोई डिफरेंट ना लगे आपको। और दूसरा आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि आंसर चेंज कम करो, बिकॉज यूजली जब हम आंसर चेंज करते हैं तो ओवर थिंकिंग से मोस्टली गलत कर देते हैं वो, है? सो दैट इज वेरी गुड एडवाइस गिवन बाय यू। अच्छा अर्श, थोड़ा सा हटके पढ़ाई से पूछते हैं कि विच इज योर फेवरेट फैकल्टी इन सर्बेलम? सर अब वो तो आप ही हैं, उसको तो कोई नहीं बीट नहीं, वो तो मैं सामने कर बैठा हूँ मेरे अलावा। सकता सर आपके अलावा तो आई थिंक जाइनाब मैम, उनके BTR सेशंस। सो यू अटेंडेड BTS आल्सो? यस सर, मैंने ऑफलाइन BTR सेशन अच्छा, अटेंड किया ऑफलाइन भी था। किया था आपने, दिल्ली वाला? हाँ जी सर, ग्रेट ग्रेट। तो दिल्ली में मैं आया था, मिले थे हम? नहीं अपूर्व सर आए थे, वो अच्छा, मैं उस नहीं आ पाया हूँगा बाई चांस की बात पे। लास्ट वीक थी ना 16 जुलाई to 18 जुलाई। अच्छा, 16 to 18 वाला, आई वॉज नॉट इन इंडिया आई थिंक एट द टाइम। चलो अर्श, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहते हो जो दिसंबर एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए? सर अपने आप को पे कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना, जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो, बस आप एक ही जगह पे लगे रहो, बस अपने आप पे ध्यान दो, आसपास जो हो रहा है छोड़ दो। दैट्स अ ग्रेट एडवाइस। सो गाइज लिसन, जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड कीप प्रिपेयरिंग, बस पॉजिटिव रहो, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू अर्श, एंड हार्टिएस्ट थैंक यू सो मच कॉन्ग्रेचुलेशन सर, टू यू एज वेल एज योर पेरेंट्स, एंड थैंक ऑल यू द सर, वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर, एंड थैंक यू फॉर थैंक यू। ज्वाइनिंग।